निशुल्क क्रिया योग दीक्षा प्रक्रिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र में। दीक्षा की प्रक्रिया को जानने से पूर्व दीक्षा को समझना आवश्यक है एवं किस व्यक्ति को दीक्षा की आवश्यकता है यह भी समझना अत्यंत आवश्यक है। दीक्षा का सामान्य भाषा में अर्थ है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से गुरु अपने शिष्य को उसी लीनियज से जोड़ देता है जिस लीनियज से उसने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, और वह लीनियज कहीं ना कहीं स्वयं निराकार परब्रह्म से जुड़ी हुई होती है। जिस प्रकार से क्रियायोग की लीनियज महावतार बाबा जी के माध्यम से स्वतः निराकार परब्रह्म से जुड़ी हुई है, दीक्षा की प्रक्रिया आदिकाल से सनातन संस्कृति में विद्यमान है, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से अनेक महर्षियों ने एवं महागुरुओं ने अपने शिष्यों को अद्भुत ज्ञान प्रदान किया है, जिसके माध्यम से शिष्यों ने भी अनेक आविष्कार चमत्कार एवं उत्थान किए हैं, जिसमें मनुष्य का उत्थान, प्रकृति का उत्थान आदि सम्मिलित हैं। दीक्षा की प्रक्रिया किस प्रकार से मनुष्य शरीर में कार्य करती है? दीक्षा की क्रिया के माध्यम से गुरु मनुष्य के अंदर सुसुप्त ऊर्जा को जागृत अवस्था में ले आते हैं, जो सामान्यतः यदि मनुष्य स्वयं से प्रयास करता रहे तो उस ऊर्जा को जागृत होने में कई वर्ष भी लग सकते हैं। लेकिन दीक्षा वह एकमात्र प्रक्रिया है जिसमें रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि इनके माध्यम से गुरु अपने शिष्य के अंदर जो सुसुप्त ऊर्जाएं होती हैं, भौतिक ऊर्जाएं, जो आंतरिक ऊर्जाएं, सूक्ष्म ऊर्जाएं, कारण ऊर्जाएं जो होती हैं, उनको जागृत अवस्था में लेकर आते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि पूर्णतः जागृत हो जाती हैं वह ऊर्जाएं, लेकिन कुछ ऊर्जाएं जागृत होना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद शिष्य अपनी क्रियाओं के माध्यम से उनको और जागृत अवस्था में लेकर आते हैं। महर्षियों एवं महागुरुओं में यह भी शक्ति है कि वह आपके अंदर उपस्थित समस्त सुसुप्त ऊर्जाओं को, आपके अंदर के समस्त चक्रों को एक स्पर्श के माध्यम से ही जागृत कर दें। लेकिन क्या दीक्षा की आवश्यकता है आपको क्रिया शुरू करने के लिए? क्या दीक्षा के बिना अभ्यास शुरू नहीं किया जा सकता? क्या दीक्षा के बिना अभ्यास में लाभ प्राप्त नहीं होंगे? जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, जब गुरु दीक्षा देते हैं तो अपनी परंपरा से आने वाले सभी महागुरुओं को साधक के साथ जोड़ते हैं। वह एक असीमित लिंक से साधक जुड़ जाता है, साधकों को स्वयं ही महागुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जिससे वह अपनी आंतरिक क्रियाओं में शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आपकी ऊर्जाएं मूलाधार में सुसुप्त अवस्था में हैं, जब गुरु आपको दीक्षा प्रदान करते हैं तो उस ऊर्जा को ऊर्ध्वाभिमुख कर देते हैं, जिसके बाद अब जो भी क्रियाएं आप करेंगे वह सीधे उस ऊर्जा पे कार्य करते हुए ऊर्ध्वाभिमुख रूप से ऊपर उठने लगेंगी। सामान्यतः जब आप यही कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपनी समस्त ऊर्जाओं को ऊर्ध्वाभिमुख करना पड़ता है। दीक्षा के बाद जो शिक्षा आप प्राप्त करते हैं अपने गुरु से, वह वही शिक्षा होती है जो उन्होंने अपने गुरु, उनके गुरु ने अपने गुरु और आदिकाल तक चल रही प्रक्रिया से प्राप्त किया होता है। इस प्रकार से आप क्रिया के माध्यम से और दीक्षा के माध्यम से महागुरुओं की लीनियत से जुड़ जाते हैं, जिसमें वह सत्य जानकारी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से ही मनुष्य स्वयं को साकार रूप से निराकार में परिवर्तित करने की शिक्षा प्राप्त करता है, अपने जीवन के कर्म बंधन से मुक्ति की शिक्षा प्राप्त करता है और अपने भौतिक जीवन में ऐश्वर्य एवं सुख की कामना करता है। जब आप उन्हीं क्रियाओं का अभ्यास करते हैं
जो स्वयं महागुरुओं ने दी हैं, महर्षियों ने दी हैं, या स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित हैं, तभी आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। सिर्फ क्रियाएं जान लेने से मनुष्य को अभ्यास करने में कोई लाभ नहीं है। जब तक आपको क्रियाओं का क्रम नहीं पता है कि कौन सी क्रिया पहले करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है, तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप समस्त प्राणायाम सीख लें लेकिन आपने आसन की ही शिक्षा नहीं प्राप्त की यदि, तो आपको लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए सिर्फ क्रिया को जानना ही नहीं, उसके सही क्रम को भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि किस प्रकार से किस क्रम में क्रिया की जाए, क्योंकि जब तक आप में वह काबिलियत नहीं होगी आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन प्रश्न अभी भी वही है कि क्या क्रिया में दीक्षा की आवश्यकता है या नहीं। यह मेरा व्यक्तिगत मानना है, अन्य आप या कोई और इससे अलग विचार रख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि शुरुआत में आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप उस योग्य नहीं हो जाते हैं तब तक इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। अर्थात जब तक आपका भौतिक शरीर इस योग्य नहीं हो जाता कि स्थिर रूप से बैठ सके, आप किसी आसन में परिपक्व नहीं हो जाते, कुछ समय तक बैठने की आपके अंदर शक्ति नहीं आ जाती, आप में कुछ जो बेसिक एकाग्रता की आवश्यकता है वह नहीं आ जाती, आप कुछ समय तक स्थिर बिना हिले डुले नहीं बैठ लेते, तब तक आपको सिर्फ बैठने का प्रयास और अभ्यास करने की आवश्यकता है। आपको स्थिरता, एकाग्रता एवं अनुशासन की आवश्यकता है। जब आप इस चीज़ को प्राप्त कर लें उसके बाद ही दीक्षा की आवश्यकता हो सकती है, या भी निर्भर करता है गुरु के ऊपर कि आपको वो उस योग्य समझता है या नहीं समझता है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। क्रिया योग ध्यान में अभ्यास करने के लिए, कोई भी आंतरिक अभ्यास करने के लिए, क्योंकि दीक्षा आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने हेतु है, जो आपके अंदर सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो आपके अंदर नाड़ियों में प्रवाह हो रही हैं, उनको जागृत करने के लिए प्रदान की जाती है। लेकिन जब तक आपकी भौतिक क्रियाएँ अनुशासित नहीं होंगी तब तक इस दीक्षा की आपको आवश्यकता मेरे अनुसार नहीं है। कम से कम एक साधक को स्थिर 30 से 40 मिनट तक जब तक बैठने का अभ्यास ना हो जाए तब तक उसे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, और उसको मूल क्रिया में प्रवेश करवाया जाना उचित नहीं मानता हूं मैं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है कि स्थिर 30-40 मिनट बैठना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन जब आपको पलथी मारकर बैठना पड़ेगा, सुखासन, सिद्धासन अथवा पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी आप उचित समझें, तब आपको यह पता चलेगा कि यह भी कठिन कार्य हो सकता है। कुछ ना करना भी करने से कई बार कई ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले बैठने का अभ्यास करें। यदि आपकी बैठने की क्षमता नहीं बढ़ रही है या आप बैठ नहीं पाते हैं तो उसके लिए आपको करना है रक्त संचार का अभ्यास, जिसके निःशुल्क वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, और शीघ्र ही रोज सुबह रक्त संचार का अभ्यास पुनः शुरू करवाया जाएगा। रक्त संचार एक श्वास क्रिया है। इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए आप रक्त संचार के वीडियो को देखें कि किस प्रकार से इस क्रिया के माध्यम से आपके शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त का प्रवाह किया जाता है, जिससे आप एक लंबे समय तक बैठ सकें। और रक्त संचार क्रिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप लंबे समय तक बैठ सकें, यह क्रिया की प्रथम क्रिया में से एक है, जिसको किए बिना क्रिया योग करना अत्यंत कठिन कार्य हो सकता है। रक्त संचार की क्रिया को 3 भाग में विभाजित किया गया है, भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3, जिसमें
जो आपको वीडियोस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं वह भाग एक है। जब साधक भाग एक में निपुण हो जाते हैं उसके बाद उनकी योग्यता को देखने के बाद भाग दो एवं भाग तीन की शिक्षा दीक्षा निःशुल्क रूप से दी जाती है। यहाँ पर कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है, बस आपकी योग्यता ही देखी जाती है। इसके बाद जब आपकी बैठने की शिक्षा पूर्ण हो गई, रक्त संचार भाग एक दो एवं तीन, उसके बाद क्रिया की शिक्षा दी जाती है साधक को। और उससे पहले जो अभ्यास हैं, जो क्रिया के अभ्यास हैं, उनको करवाया जाता है। यदि साधक में योग्यता होती है और कुछ समय में साधक निपुण हो जाते हैं अन्य अभ्यास में, उसके बाद उनकी अन्य शिक्षा दीक्षा शुरू की जाती है। अधिकतर वही साधक क्रिया योग या मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं जिनकी बेसिक जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं आसानी से, या उनके पूर्व जन्म के पुण्य हैं जो उन्हें क्रिया के साथ जोड़ते हैं। वरना आप स्वयं से सोचें, इतने करोड़ मनुष्य में से आप ही हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और अन्य तभी देख पाएंगे जब वह स्वयं से क्रिया से जुड़ने का उनके अंदर अथवा प्रकृति के माध्यम से उनके अंदर एक चैतन्य शक्ति उत्पन्न होगी कि उन्हें क्रिया का अभ्यास करना है, अथवा जब वह जीवन में यह जान लेंगे कि उन्हें जीवन मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है, तभी जाके वह इस प्रकार के वीडियो अथवा जानकारी को जानने की उनके अंदर लालसा बढ़ेगी और वह इसकी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर पाएंगे। यह जानकारी आपको ईश्वर की इच्छा से ही मेरे माध्यम से प्राप्त हो पा रही है, लेकिन आप इसमें कितना योगदान देते हैं या आप कितना अभ्यास कर पाते हैं या आपकी इच्छा पर नहीं, यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आपने कर्म कैसे किए हैं, उसी के आधार पर आप यहाँ तक जुड़ पाए हैं या मुझे सुन पा रहे हैं। क्रिया ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने कर्मों का शोधन करके इस जीवन मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करता है। क्रिया ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। क्रिया ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य निराकार परब्रह्म सभी रूपों में विराजमान है, इस सत्य को जानता है। यही वह माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य इस साकार शरीर सहित भी निराकार में परिवर्तित हो जाता है। क्रिया ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को स्वयं से त्याग कर पाता है। क्रिया ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य स्वइच्छा से जीवित होता है और स्वइच्छा से शरीर का त्याग करता है। अंततो गत्वा यही सत्य है कि क्रिया की दीक्षा वही प्राप्त करता है जिसे गुरु स्वयं से योग्य समझते हैं, जिस प्रकार से महावतार बाबा जी ने लहड़ी महाशय का चयन किया था, अथवा जिसे स्वयं ईश्वर चाहते हैं कि यह क्रिया का अभ्यास करे और इस प्रक्रिया को प्राप्त करे, यह निराकार परब्रह्म की प्रक्रिया को प्राप्त करके अपने जीवन मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करे, अपने जीवन में भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सके। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी यह ज्ञान दिया गया है, जिसको धीरे धीरे करके मैंने दो श्लोक जो श्रीमद् भगवद गीता के हैं उसकी व्याख्या की हुई है। आप इस चैनल के माध्यम से उन्हें जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और भविष्य में भी धीरे धीरे भगवान के दिए गए इस दिव्य स्वरूप को हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वर्तमान समय में साधक श्री हनुमान चालीसा की आध्यात्मिक व्याख्या की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वह समस्त वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। यदि साधक इसे पुस्तक रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी भी प्राप्ति संस्था के माध्यम से कर सकते हैं। आप सभी साधकों से मेरा निवेदन है कि आप सभी टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत प्राप्त हो सकें, क्योंकि सभी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से पोस्ट के माध्यम से दिया जा पाना संभव नहीं है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।